मॉर्निंग गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा एक और ट्रिप शुरू हो गया है और हम जा रहे हैं पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी। लेकिन मसूरी में एक खास जगह है जो हम वहाँ पे आपको पहुँच के बताएंगे, पर आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जो है हमारे बड़े भाई भी जा रहे हैं। बाइक आप देख सकते हैं एकदम फुली पैक्ड, और यहाँ पे इंटरकॉम की सेटिंग्स होती हुई हो गया। बढ़िया, चलो जी। जैकेट कहाँ है? फिलहाल वी स्ट्रॉम और डोमिनार, लेकिन आज एक और खिलाड़ी हमारे को ज्वाइन करेंगे और उनके पास जो है वो है मीटियर। तो प्रेशर में ज्वाइन कर रहे हैं, बट मज़ा आएगा। और एक दिन का ट्रिप है जो कि हम कैंपिंग का प्लान है, इसलिए हमारी बाइक जो है वो है फुली लोडेड, क्योंकि हम सिटी में कोई प्लान नहीं है हमारा। तो पहले से ही आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अक्षरधाम कितना दूर है भैया से? अच्छा, वहीं से तो आया हूँ मैं। अब मैं लगाऊंगा पुराने गाने। ठंडी ठंडी हवा जो है अब लगनी शुरू हो चुकी है क्योंकि विंटर्स आर कमिंग, तो ज़्यादा भी कपड़े नहीं पहने हैं हमने, क्योंकि वी थॉट कि यार दिन में कहीं ऐसा ना हो कि एकदम धूप निकल जाए और फिर हमारी बैंड बच जाए। तो एकदम मस्त कूल कूल जाएंगे। ये आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्लीपिंग बैग्स लगा दिए हैं आपके, टेंट हमारे ये रहे, बैग यहाँ पे है, बाकी मैट्रेसेस यहाँ पे हैं। और ये खड़ी है हमारी जबरदस्त वी स्ट्रॉम। थर्ड पार्टनर भी हमारे आ गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे सीधा मेरठ और फिर वहाँ से आगे। यहाँ थोड़ी लाइट चली गई है, बस स्टैंड आई थिंक, और ऊपर आगे फुट ओवर ब्रिज। चलो ओके, ऊपर से ही जाना कि नीचे से ही? अच्छा, ये हम जा रहे फिर से। सबसे ज्यादा बढ़िया टाइम लगता है मेरे को ऐसे बाइक चलाने इस टाइम पे ना, मौसम सुबह सुबह जब सुबह होती है। चलो चले संग मित्रवा। भाई यार थोड़ा सा सामान जो है टेढ़ा हो गया था, तो ये थोड़ा ठीक किया है। बाकी अभी हमने को ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया है यार, अभी हमने 51 किलोमीटर्स किया है। बट आपको पता है ये मेरठ वाली जो रोड जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन, भाई बहुत बैंड बजा हुआ था इस रोड का, इतनी अनइवन सरफेस है ना,
गड्ढे बहुत लगते हैं। बाकी ये हमारी मीटियोर, ओहो, पाजी बच गए। हाँ, वो गाड़ी नहीं खड़ी थी आगे, उसमें ढोक के चले जाती। साले रोड पे साइड में खड़ी करके खड़े हो जाते हैं। अब बंदा थोड़ा एक्सपेक्ट करेगा कि हाईवे पे खड़ी कर रखी होगी। ऑल राइट गाइस, अब हम थोड़ा एनफील्ड की टेस्टिंग कर रहे हैं। ओ पाजी यहीं आए। अरे भाई साहब, ये तो बैठने बड़े सही स्टाइल है यार। अरे भाई साहब, ये तो अरे भाई साहब, तो बहुत स्मूथ है भैया यार। अरे झटका मार के उठ रहे हैं एकदम। अरे भाई साहब जबरदस्त, वो इनिशियल टॉर्क है ना सारी। अरे हाँ, मैं भी चौथे गियर में हूँ, 80 पे तो कोई मक्खन चल रही है एकदम। अरे भाई साहब जबरदस्त, ओए होए होए होए। यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, और ये हमारी, ये हमारे चाय वाले भैया साथ में चल रहे हैं। तो यार अब हम निकल रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने चाय पीने के लिए, और GoPro में हम अटैच कर देते हैं केबल,
और तो गाइस फाइनली देहरादून। अब यहाँ से तो आपको पता है हार्डली एक डेढ़ घंटे का रास्ता रह गया, रोड अच्छी थी, 2 घंटे 8 मिनट लगा लो भाई साहब। हम जो है देहरादून से थोड़ा सा ऊपर जो है हम मसूरी वाली साइड पे जा रहे हैं। यहाँ से मसूरी है आपका 60 odd kilometers, थैंक यू सो मच पीछे से म्यूजिक देने के लिए। और पैरों में ठंडा ठंडा जो है फील हो रहा है, लेकिन ओवरऑल गर्मी बिल्कुल नहीं लगी पूरे ट्रिप पे, स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तो अगर इस टाइम पे अगर आप प्लान बना रहे हैं तो भाई निकल लो घूम लो, क्योंकि बहुत सूदिंग वेदर है एंड आई थिंक दिल्ली से तो आप वीकेंड पे भी ट्रिप कर सकते हो। और आई थिंक ट्रैफिक भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड पे देखोगे अब तो इसलिए आता है। चलो चलो हमारे भाई साहब पीछे रुके हुए थे शायद हमारा इंतजार में, लेकिन हमारे तीसरे जो खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मीटियोर पे, वो कुछ अलग ही लेवल पे कर रहे हैं। अरे यार ये ना गोप्रो को चार्जिंग में लगा के रखता हूँ ना तो साला ये हैंग हो जाता है, तो उसकी बैटरी निकाल के वापस डालो। हाँ थोड़ा डिस्कशन हो रहा है कि चिकन यहाँ से लिया जाए रात को बनाने के लिए कि और आगे से, अभी यहाँ पे 1.5 घंटे का रास्ता है। अभी क्या कहते हैं आप, मुझे लगता है कि आगे भी मिल जाएगी शॉप। अभी तो काफ़ी आगे होगा ना वो, ये मसूरी से थोड़ा अलग पड़ता है ना। तो गाइस हमारा क्या है कि हम आज जा रहे हैं दुधाली हिल्स। कम वीडियोस हैं अगले, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैंने सुना है कि लोग कम जाते हैं, बट गिवन कि ये वीकेंड है तो हमें भी लोग मिल सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा। एकदम से जो है हम हाइट पे ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। और गाइस अगर प्लीज वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो मेरी आप तक जल्दी पहुंचेगी और एक वो कनेक्शन बना रहेगा। ओहो जा नहीं पाएंगे वहाँ। झरने से पानी भरना रह गया, भैया आप तो चले जाते लेने यार। तो गाइस ये आपका है दुधली हिल्स की तरफ जाता हुआ रास्ता, एकदम खड़ी चढ़ाई है, स्टीप एकदम। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया लेकिन जब शुरू करते हैं तो एकदम रास्ता ऊपर जाता है और रास्ता बिल्कुल ही खराब है। Oh.
तो गाइस ये अपना आ गया है दुदली हिल, और नज़ारे आप देखो इतना प्यारा लग रहा है, और कैंपिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। बाइक हम यहाँ लगाएंगे, एक लगा दी है, बैग बिल्कुल टेढ़ा है, और एक अभी लगानी है, बाकी यहाँ रात को बॉनफायर हो जाएगा, आप लोकेशन चेक कर ही सकते हैं। हम यहाँ से सुबह 5 बजे चले थे, और अभी पहुँचते पहुँचते हमें जो है 1:30 बज गया, क्योंकि हम बीच में रुकते रुकते रुकाते ही बहुत आए हैं, सामान वगैरह भी देखना होता बीच में, तो आराम से आए हैं। अब बस फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा टेंट लगाते हैं, और बड़ा प्यारा लग रहा है, एकदम क्लीन है, और बहुत ही हाइक पे है यार, मतलब हर कोई नहीं आता। ये भद्राज टेम्पल भी आ गया ऐसे थोड़ा सा, तो कोशिश करेंगे अगर कल सुबह वहाँ जाने का हो पाएगा तो वहाँ पर हाइकिंग करके थोड़ा चल के हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो गाइस ये हमारा खाना बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये पीछे हमारे टेंट हैं आप देख सकते हैं, और ये हमारे ऋषि पाजी यहाँ पे, और ये हमारे शेफ। हाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये हमारा छोटा सा सेटअप। ये जूनियर शेफ है, ये जूनियर शेफ है, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का बज रहा है 6, और इतनी रोशनी पहले ही, लेकिन अगर दिल्ली दिल्ली में हम देखते हैं तो इतनी रोशनी नहीं होती सुबह सुबह 6 बजे। और यहाँ का नज़ारा देखो यार, इतना प्यारा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, और रात को ज़बरदस्त पाला ओस, तो सीटें वगैरह जो हैं सारी पूरी बाइक गीली, ये तो थोड़ी कम हो गई है लेकिन रात को बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे हमारी चाय का बंदोबस्त, और ये रात को हमारे एक और मेहमान हमारे साथ पूरी रात हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने हमारी रखवाली की है, बेशक अभी उम्र में छोटे छोटे हैं बट चलता है। इसने मोमोज दिखाए, लेकिन मोमोज दिखाए इसने, लेकिन हाँ ये नकली माल खाते ही नहीं है। कॉफी भी चढ़ा दी है यहाँ पे, सुबह सुबह का टाइम, यहाँ ही पानी थोड़ा गर्म होएगा। सुहाना सफर, कॉफ़ी बनाने के बाद सारा क्लीन भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ में आप जब भी आएँ तो क्लीन ज़रूरत है, ताकि जो जो और लोग आते हैं तो ही देख के अच्छा लगे। ट्रिप हो गया है ख़त्म, पैकिंग भी हो गई है, अब यहाँ से निकलेंगे और शाम तक कोशिश घर पहुँचने की, ताकि रेस्ट करके
कल फिर से वही ऑफिस, यहाँ देख सकते हैं पीछे दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा रह गया है बाकी इस पे, और मीटियर पे जो है सामान पूरा सेट है, बाकी साफ सफाई हमने कर दी है, टेंट्स भी हो गए हैं पैक। ऑसम, कोल्ड स्टार्ट हमने पहले ही कर ली थी सुबह उठ के, 10-12 मिनट के लिए लंबा किया था कोल्ड स्टार्ट। ये देखिए यहाँ कैंप्स लगे हुए हैं सारे, और अब यहाँ से ऊपर और ये हैं हमारे रावत जी, जिन्होंने कल हमारे, आपने और भी वीडियो में इनको देखा होगा। ओके रावत जी चले, ओके घुमा रहा हूँ मैं। अरे चलो जी, बाकी सुबह यहाँ पे देखिए आप मस्त बाइकर्स बैठे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल। बट यार जैसे हमने कल कैंपिंग करी, तो एक और पार्टी थी जिन्होंने कैंपिंग करी थी, यूपी की गाड़ी थी, और उन लोगों ने रात को थोड़ी कुछ हो गया यार क्या। हाँ ओ इंटरकॉम हम जो है ऑन करना भूल गए हैं। ओके और गाइस पहले ही बता देता हूँ यार, बैटरी थोड़ी कम है अगेन। रात को हमने चार्ज तो करी थी, बट गोप्रो की तो आपको पता ही है, तो मैंने तार लगाई है, अगर ख़त्म हो भी गई तो मोस्ट लाइकली बैटरी के बिना हम इसको ऑपरेट करेंगे आज विद डायरेक्ट चार्जिंग। आप रास्ता अगर देखेंगे यहाँ पे, वो देखिए कुछ ज़्यादा ही एकदम डीप है नीचे, तो बहुत संभल के आपको जाना पड़ता है, क्योंकि सामान भी पीछे इतना ज़्यादा है कि वो आपके कमर पे लगता है। तो क्लच ज़्यादा नहीं दबाना है पहले दूसरे गियर में, ये देखो मैं अगर क्लच दबाता हूँ देन बाइक गेट्स लिटल आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक। ये देखिए वाह व्हाट अ व्यू मैन, बहुत ही कम लोग आते हैं, बट वीकेंड था तो थोड़े मिल गए हमको। अगर आप कभी वीकडेज में आए तो मोस्ट लाइकली यू हार्डली विल फाइंड एनी पीपल कमिंग फ्रॉम दिल्ली और अदर प्लेसेस, तो आप तब देख सकते हैं। ये देखिए छोटी सी शॉप खुली हुई है, ये बेचारी बहुत मेहनत करते हैं यार, अगर थोड़ा महंगा देते हैं बट इतना ऊपर सामान लाना भी इज़ अ टास्क। तो बड़े प्यारे प्यारे से ये पर्पल कलर के छोटे छोटे से फूल लगे हुए हैं, ग्रास पे निकल रहे हैं, बाकी धीरे धीरे नीचे जाएंगे यार, नो रश। और अब जहाँ मिलेंगे ना आपसे वहाँ बैठेंगे, थोड़ी सी आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा हमारा। तो गाइस अब हम आ गए हैं देहरादून, यहाँ से दिल्ली 264, और कमला पैलेस कहाँ है भाई पता नहीं, हम तो खुद राइडर्स हैं, बीच में से जा रहे हैं। कमला पैलेस कहाँ है भाई, कमला पैलेस? और यहाँ पे टिक्की शिक्कियाँ बन रही हैं, गुप्ता रेस्टोरेंट। गाइस अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है सामने रेस्टोरेंट में कार्य करने हेतु, कारीगरों और हेल्परों की आवश्यकता है, तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लें इनको, नंबर आपके सामने नीचे मेरी वीडियो में, पॉज करके देख लीजिएगा। ओके हमारे एक राइडर को जसी पाजी को कॉल करना था, अब चलते हैं आगे। ये निकले हमारे जसी पाजी वी स्ट्रॉम पर, और पीछे पीछे हम हाँ रेलवे स्टेशन लेफ्ट में है, 4 किलोमीटर। खींचो भाई खींचो। अरे फॉरवर्ड गाइस, थोड़ी सी बाइक चेंज करी है, सिटिंग पोस्चर चेंज होता है, थोड़ा रिलैक्स बॉडी को फील होता है, तो आई एम राइट नाउ ऑन मीटियर 350। यहाँ रुके हैं गाइस हम गुरु गोविंद सिंह, मिस्टर वैष्णो पंजाबी ढाबा,
मस्त चार पाई पे बैठ के बढ़िया खाना खाएंगे। जब हो गई है थकान, अपने भाई लोग डलवा रहे हैं तेल, हमने भी जस्ट डलाया। तो एक तेल लगा नोएडा से 750 का, फिर एक कुछ 750, और अब डला 550। तो अभी तेल इतना है कि शायद मैं 200 रुपये के तेल में पहुंच जाऊंगा। तो आई थिंक अराउंड 1700 का ऑयल मेरा लग गया फ्यूल, और ऑन टॉप ऑफ दैट मे बी 1000 मोर रुपीस। तो 3000 में आपका आना जाना हो गया, 3000 में आना जाना। वीकेंड पे यार अगर आप बाहर जाके दिल्ली में कोई अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लो ना भाई, तो 1000-1500 से नीचे का बिल नहीं आता। हाँ जी, क्या सीन है? गाइस फाइनली नोएडा यार, वो राजनगर एलिवेटेड रोड पे जो जाते हैं सराय काले खां, वहाँ से जब हम थोड़ा आगे गए, खतरनाक जाम भाई, खतरनाक। पता नहीं कोई प्रदर्शन चल रहा था, रोड ब्लॉक थी, पर एट द एंड धीरे धीरे करके वहाँ से निकले और अभी हम पहुँच गए हैं नोएडा अपने घर, मेट्रो स्टेशन के नीचे। ये वही है सेक्टर 15 आ गया है, मतलब 3 मेट्रो स्टेशन और उसके बाद सीधा घर। तो आई होप गाइस कि ये एक बहुत छोटा ट्रिप था यार। आप ये लगा लीजिए हम सैटरडे को सुबह निकले थे 5 in the morning, अब संडे की इवनिंग को वापस भी आ गए हैं, और अभी तक जो टोटल मेरी बाइक चल गई है वो चल गई है 610 किलोमीटर। तो घर तक वही 611-612 लगा लीजिए। तो पिछले हफ्ते हमने किया था ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स, अब ये 600 किलोमीटर्स। तो अब ये जो है ना, मतलब 500-600 किलोमीटर, तो आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक आजकल। तो सैटरडे संडे में अगर आप जो 200-200 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस होते हैं, जगह होती हैं, उनको आप बेझिझक पूरा कर सकते हैं और आपको कोई थकान नहीं होगी। ठीक है, आप सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकलिए, आप पूरा दिन रहिए कहीं पे, किसी एक जगह पे घूमिए और संडे वापस आ जाइए। तो इट्स क्वाइट डूएबल, बट एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ करी कि पहाड़ों में यार टाइम बहुत स्लो कटता है। तो इवन इफ इट वॉज जस्ट अ वीकेंड, वो जस्ट अ वीकेंड बहुत लोगों के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए वो जस्ट अ वीकेंड नहीं था, क्योंकि वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने कैंपिंग करी, खुद खाना बनाया वहाँ पे, गाने वाने सुने, मतलब बातें शातें करी, मेंस टॉक, ठीक है। उसके बाद सुबह उठे, सनराइज देखा, और चांद इतना क्लियर था, मतलब पूरी रात, मतलब 1-2 घंटा तो मैंने देखा आराम से बैठ के वो भी। तो मतलब इतना अच्छा लगता है जाके, मतलब कितनी जगहों पर। और ये रहा हमारा वीकेंड आपके लिए। तो आई होप गाइस कि आपको मज़ा आया होगा इस ट्रिप के अंदर, और बहुत प्यारी जगह थी यार, मैं दोबारा बोलूँगा कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और ये सब गाइस मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ यार, और थोड़ा सा अपने लिए हमारा घूमना हो जाता है, और आप लोगों को एनओ की थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाएगी घूमने की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो बने रहिए गाइस मेरे चैनल पे, और प्लीज़ अपना प्यार जो है ऐसे दिखाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।